वीडियो देखने से पहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए हमारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो टेक्निका। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिम्युलेटर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था एम्युलेटर्स के बारे में और मैंने आपको बता दिया था कि मैं एक अगली वीडियो बनाने वाला हूँ सिम्युलेटर्स के बारे में। रीजन क्या था वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो पुरानी वाली वीडियो भी हमारी देख सकते हो। या फिर मैं आपको रीजन इस बार ये बता देता हूँ कि पहले मैं वीडियो बनाने वाला था एम्युलेटर्स प्लस सिम्युलेटर्स के बारे में, पर वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो दोनों के लिए बना दी। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और अपनी वीडियो में चलते हैं। अब जैसे कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मतलब मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी एम्युलेटर के बारे में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एम्युलेटर क्या है। और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप जान भी चुके होंगे एम्युलेटर क्या है और आपके पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा कि एम्युलेटर हम किसे कहते हैं। तो एम्युलेटर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक कर लो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एम्युलेटर वो सॉफ्टवेयर, वो ऐप, वो प्रोग्राम है जिससे कि हम यूज करते हैं कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म के ऐप, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए अपने किसी और प्लेटफॉर्म, ऐप और प्रोग्राम में। तो आप बेसिकली से ये समझ सकते हो कि ये बीच में काम करके देता है, कुछ दूसरे चीज को चलाता है अपने दूसरे से प्लेटफॉर्म पे। सिंपली आप इसे इतना ही समझ सकते हो इस वीडियो के लिए। अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हो। तो सिम्युलेटर को आप ऐसा समझ सकते हो कि सिम्युलेटर एम्युलेटर का ही थोड़ा एडवांस, थोड़ा अगला जनरेशन का वर्जन है। अब बोलोगे सिम्युलेटर और एम्युलेटर दोनों ही काफी अलग लगते हैं, सुनने में भी काफी अलग लगते हैं, तो ये सही में सेम है? तो सेम तो नहीं है, पर हाँ सेम जैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक प्रोग्राम था, पर यहाँ पे हम प्रोग्राम का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम बेसिकली एक अलग से ही एक फिजिकल हार्डवेयर का यूज कर लेते हैं। और हार्डवेयर होगा तो वहाँ प्रोग्राम होगा, यानी कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा ही। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक कोई सर्किट बना रहे हो, कोई भी चीज की, किसी भी चीज की आप सर्किट बना रहे हो, तो आप सर्किट में अगर बनाते हो तो आप एक ब्रेडबोर्ड खरीद लोगे, उसमें कोई जो सर्किट चाहिए उसे आप लगाओगे, बार बार कनेक्ट करोगे, और बहुत सारी चीजें अगर गलती होने पर शॉर्ट भी करेंगी, बहुत सारी चीजें को आपको मतलब नुकसान भी आएगा, कुछ पैसे आपको बर्बाद भी होंगे उन शॉर्ट वाली चीजों में। और जब तक आपकी गलती रेक्टिफाई नहीं हो जाती तब तक आपकी वो चीज चलेगी नहीं। तो हम सिम्युलेटर्स में क्या करेंगे कि हम सेम वैसा ही कुछ एक एनवायरमेंट बना लेंगे, एक प्रोग्राम बना लिए और उस पर हम बार बार क्या करते हैं, अपना जो भी चीज हमें डालना है, जितने रजिस्टर कुछ भी लगाना है, वो चीज हम उस पर लगा के और देख लेंगे कि असल में वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। और जहाँ पे हमसे गलती होगी हम उसे वहीं पे रेक्टिफाई कर लेंगे, जिससे कि होगा ये कि हमारी जो लॉस आएगी, जो भी हमारी जो खर्च आएगी, जो भी हमारी खर्च आएगी एक्स्ट्रा, वो बर्बाद नहीं होगी और हमारे पैसे भी यूटिलाइज हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। अब बोलोगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का टर्म हो गया, अब चलिए बिल्कुल बेसिक टर्म पे चलते हैं। अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि एयरप्लेन उड़ते हैं, एयरप्लेन को उड़ाने वाला भी एक इंसान ही होता है और उसने भी ऐसी ट्रेनिंग ली ही होगी एयरप्लेन उड़ाने के लिए या एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए। तो क्या वो एयरप्लेन और एयरक्राफ्ट से जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं, बैठ जाते हैं और गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं और सीख लेते हैं, क्या उसने भी वैसे ही सीखी होगी? तो बेशक नहीं, क्योंकि अगर उसे सीखने पर उससे एक भी गलती हुई तो एयरक्राफ्ट के नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और प्लस जो जितने उसमें उतने सारे आदमी या फिर उसके जो दोस्त सहपाठी जो भी उसके कॉकपिट में बैठे होंगे वो भी सीधे ऊपर जाएंगे गिरने के बाद। तो हम करते क्या है कि एक सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट बना लेते हैं। आप बोलोगे सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट मींस कि मतलब जैसा कि आपका कॉकपिट है, हम लोग सेम कॉकपिट का एक डेमो बोल सकते हो या फिर एक कॉपी बोल सकते हो, उस कॉकपिट का कॉपी हम लोग बना लेते हैं और उस कॉकपिट को में बैठ के हमारा जो मतलब जो जो सीख रहा होता है, जो न्यू पायलट होता है, वो सीखता है असल में ये बटन का यूज कैसे होता है, अगर कुछ प्लेन में जड़ कारी है तो कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी गलतियों को, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमें उड़ान के पहले करने चाहिए, क्या बाद में करने चाहिए, ये सब उससे उसी समय वो सीखता है। और जब तक उसको मतलब कि पूरा अपने ऊपर भरोसा नहीं आ जाता है और वो उस सिक्योरिटी को पास नहीं कर लेता है, तब तक उसे एक असली एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट उड़ाने में भी जान का जोखिम है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो सिम्युलेटर्स है वो हम लोग बेसिकली कुछ दो तीन चीजों के लिए यूज करते हैं। पहला सेफ्टी के लिए कि कोई भी लॉस नहीं हो, कोई भी लाइफ का लॉस नहीं हो। दूसरा ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए, जैसा कि कहते हैं आपने सर्किट बोर्ड का एग्जांपल लिया। तीसरा आप बोल सकते हो कि लॉस कम करने के लिए, बेसिकली हम कोई भी चीज शुरू में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो हमारा जो आलतू फालतू खर्चा आता है, जो भी हमने गलती की उनका जो खर्चा आता है उसे कम करने के लिए।
चौथा अपनी गलतियों को जल्दी रेक्टिफाई करने के लिए। अब आप मान लो सर्किट बोर्ड का एग्जांपल ले लो, आपने बहुत सारी गलतियां की होगी उसमें, अब वो बहुत सारी गलतियों को आपने आपको फिजिकली और मेंटली आपको अपने ही से देखना पड़ेगा कि आपने गलती की, पर सिमुलेटर वहाँ पे आपको खुद ब खुद बता देंगे कि आपको यहाँ पे ये गलती हो रही है, आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हो, तो आप वहाँ पे आप उसे रेक्टिफाई कर लोगे बहुत जल्दी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कुछ फोन्स का, फोन का एग्जांपल लेते हैं, एक स्मार्टफोन है मान लो। अब स्मार्टफोन में एक पावर बटन होता है, वॉल्यूम रॉकर बटन होते हैं, तो ये सब तो बेसिक सा है। तो अब वो बटन कितने बार जाके खराब हो जाएंगे, कितने बार उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, तो उसे चेक करने के लिए हम पावर बटन से क्लिक करके गिनते तो नहीं रहे कितने बार पावर बटन चल रहा है, कितने बार वॉल्यूम रॉकर चल रहा है, कितने बार होम बटन चल रहा है। उसके लिए हम एक सिमुलेटर लगा देते हैं, उस पर एक रोबोट लगा देते हैं और वो पावर से क्लिक करता है, गिनता है, क्लिक करता है, गिनता है, और जब भी रिस्पॉन्स गलत आता है तब वो देख लेता है कि हाँ इतने बार में रिस्पॉन्स गलत हो जाता है, यानी कितने बार में उसका कीपैड कट जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो लाखों लाख बार एक ही बटन प्रेस कर रहा है। और इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है भी तो उसमें गलतियाँ होने की चांसेस है, पर सिमुलेटर उन गलतियों को भी कम कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा सिमुलेटर के बारे में वीडियो, ये वीडियो बहुत छोटी थी क्योंकि सिमुलेटर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो नीचे अगर कोई डाउट या क्वेरीज कुछ रह गई हो इस वीडियो से। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वाली वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।